नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश, गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे सैमसंग ने एम सीरीज के नए दो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, सैमसंग गैलेक्सी M10 और सैमसंग गैलेक्सी M20। दोनों ही यहां पे बजट डिवाइस हैं और काफ़ी टाइम से यहां पे लीक में थी भैया कि ये होने वाला है इस डिवाइस में, ये होने वाला है। यहां पे पूरा ही यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे खासे फीचर मिलते हैं और यहां पे नॉच डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन पे। मतलब लगभग आपको फीचर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं दोनों ही फ़ोन पे। और आपको तो मालूम है कि इंडियन मार्केट में आपको काफ़ी सारे बजट स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, तो इसी बीच यहाँ पे सैमसंग ने भी अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं जो कि अच्छे खासे डिज़ाइन के साथ में आते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M10 और सैमसंग गैलेक्सी M20 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, जानेंगे कौन कौन से बेहतरीन फीचर मिल रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन पे। दोस्तों, तो आप आगे देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और यहां पे हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को नहीं दबाया तो जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, यहां पे जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है वो फोन थोड़ा सा यहां पे हाई एंड का फोन है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M10 के। दोस्तों, यहां पे जो सैमसंग गैलेक्सी M20 के फीचर है, 6.3 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है जो कि यहां पे नॉच डिजाइन के साथ में आता है। यहां पे सैमसंग ने इसको वी नॉच नाम दिया है और यहां पे फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, 90% से भी ज्यादा का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है इस स्मार्टफोन पे। इस फोन पे सैमसंग ने इन हाउस चिप का इस्तेमाल किया है, एक्सोनोस चिप है यहां पे लेटेस्ट जो लॉन्च हुई है 7904, तो यहां पे ऑक्टा कोर के साथ में आती है, 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है चिप और यहां पे जीपीयू मिलता है भैया मालिका G71 MP2 जीपीयू। दोस्तों, तो एक मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं इसको क्वालकॉम की चिप से तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के कंपेयर में ये चिप यहां पे ठीक ठाक है। दोस्तों, और अब आप सभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा सैमसंग गैलेक्सी M20 को लेके, क्या इस फोन पे हम पबजी गेम को खेल सकते हैं, कोई लैग वैग देखने को तो नहीं मिलेगा? दोस्तों, जी हाँ, आप इस फोन पे इजीली पबजी गेम को खेल सकते हो क्योंकि इसमें जो चिप यूज हो रही है वो डायरेक्टली कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिप की, तो 636 काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, उसमें भी आप इजीली पबजी गेम को खेल सकते हो। लेकिन आप अगर स्पेशली पबजी गेम के लिए कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और आपके पास में बहुत अदर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जहां पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 काफी पावरफुल चिप है और उसके फोन भी आपको काफी अच्छे खासे प्राइस में देखने को मिल जाते हैं, और ये जो एक्सोनोस 7904 चिप है आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है गैलेक्सी M20 में। दोस्तों, यहां पे ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 3GB 32 और 4GB 64GB के साथ में। साथ में यहां पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है जो कि 512GB तक सपोर्ट करता है। यहां पे दोस्तों कैमरे भी आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, 30MP प्लस 5MP आपको रियर पे मिलता है और यहां पे ब्यूटी मोड्स, बोके मोड्स, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है बैक कैमरे की मदद से। क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल रही है बैक कैमरे की, और यहां पे फ्रंट पे मिलता है आपको 8MP का सेंसर। वहीं यहां पे आपको मिलती है भैया कस्टम यूआई, जो सैमसंग की ओन यूआई है, एक्सपीरियंस यूआई मिलती है आपको, 9.5 बेस एंड्रॉइड ओरियो का सपोर्ट मिल रहा है इस फोन पे। और इस फोन की खास बात है कि यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में आता है और 5000mAh की आपको बैटरी मिल रही है इस स्मार्टफोन पे जो कि यहां पे 15W के क्विक चार्जर के साथ में आता है। और ये फोन यहां पे दो कलर में लॉन्च करा है कंपनी ने, ब्लैक और ब्लू, और दोनों ही कलर आपको काफी शानदार देखने को मिलते हैं। दोनों ही फोन यहां पे दो कलर में आपको देखने को मिलते हैं और जो प्राइसिंग रखी है कंपनी ने वो बहुत ही बेसिक यहां पे रखी है। सैमसंग जैसे ब्रांड ने काफी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करे हैं और प्राइसिंग है भैया 3GB 32GB की 10,990 रुपीज, और जो यहां पे हाई एंड वेरिएंट है उसका प्राइस है 12,990 रुपीज। Amazon पे आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही स्मार्टफोन। यहाँ पे 5 फरवरी से इसकी सेल शुरू है और साथ में आपको Jio की तरफ से भी कुछ ऑफर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे वैल्यू के स्मार्टफोन हैं। दोनों ही डिज़ाइन आपको अच्छा मिल रहा है, नॉच वाला डिज़ाइन मिल रहा है, 5000mAh की बैटरी मिल रही है, प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, और अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फ्रंट पे आपको मिलता है सॉफ्टवेयर बेस्ड फेस अनलॉक फीचर। दोनों ही यहाँ पे काफ़ी क्विक हैं और काफ़ी इम्प्रूव है। दोस्तों, यहाँ पे आपको UI का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलने
वाला है और फ्यूचर में देखते हैं कि भैया क्या पता आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का भी अपडेट देखने को मिल जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन पे। मुझे लगता है कि इसमें तो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिल सकता है पाई का अपडेट। अब थोड़ा सा बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10 के बारे में। ये थोड़ा सा कम प्राइस का स्मार्टफोन है और एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसका जो प्राइस है दोस्तों काफ़ी लो है, यहाँ पे 7,990 से शुरू होता है और यहाँ पे 8,990 में ये खत्म होता है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने मात्र 1,000 रुपये का डिफरेंस रखा है और यहाँ पे आपको 6.22 इंचेस का नॉच डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 1520x720 पिक्सल्स का आपको रेजोल्यूशन मिलता है और 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन पे। इस फोन पे भी सैमसंग ने इन हाउस प्रोसेसर यूज किया है, एक्जोनॉस जो कि 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर का नाम है 7870 चिप। ऑक्टाकोर के साथ में आती है, 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है और यहाँ पे GPU मिलता है आपको माली का T830MP1 GPU। दोस्तों यहाँ पे भी ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 2GB 16GB और 3GB 32GB। तो यहाँ पे मतलब बेसिक वेरिएंट सैमसंग ने लॉन्च करे इंडियन मार्केट में और यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, एक्सपीरियंस UI का सपोर्ट मिलता है जो कि इसकी लेटेस्ट UI 9.5 है और एंड्रॉयड ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है इस स्मार्टफोन पे। जो इसके बैक कैमरे हैं 13+5 मेगापिक्सल के साथ में आता है और यहाँ पे फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन पे। यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी आपको कम मिल रही है, 3400 mAh की आपको बैटरी मिल रही है यहाँ पे और ये फोन भी भैया दो कलर में आता है, ब्लैक और ब्लू। और साथ में यहाँ पे मतलब जो 3400 mAh की बैटरी है वो आपको एक अच्छा खासा बैकअप यहाँ पे देने वाली है। वहीं इसका जो प्राइस है 7,990 है बेसिक पहले वेरियंट का और जो दूसरा वेरियंट है उसका प्राइस है यहाँ पे 8,990। लेकिन यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड फेस अनलॉक फीचर अपने फोन को अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पे सैमसंग ने अच्छे खासे ये दो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करे हैं और काफी अच्छा डिजाइन मिल रहा है आपको, बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल रहा है और आपके पास में भैया यहाँ पे अभी चार ऑप्शन है, चार इसलिए कि दोनों फोन के दो दो वेरियंट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भैया 8,000 रुपए के आसपास से प्राइस शुरू हो रही है और 13,000 से भी कम प्राइस में आपको चारों ही वेरिएंट यहां पे देखने को मिल रहे हैं इन स्मार्टफोन के। अभी यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30 को लेके यहां पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है सामने, देखते हैं कि वो फोन कब लॉन्च होता है, क्या पता वो इंडिया में ना लॉन्च हो, किसी और कंट्री में पहले लॉन्च हो, तो अभी कोई डिटेल यहां पे सामने नहीं आ रही है दोस्तों। तो आप बताओ नीचे कमेंट में कि कैसे लग रहे हैं आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन, कैसा लग रहा है इसका डिजाइन और दोस्तों सारे फीचर में से कौन सा फीचर आपको सबसे बढ़िया लग रहा है इन सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के स्मार्टफोन का, जरूर सारी चीजें नीचे कमेंट में लिखना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।